अब खबरें विस्तार से। सुजानपुर के जंदड़ू बूथ पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, मंडल सुजानपुर अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, ग्राम केंद्र अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया। धूमल ने आह्वान किया कि विपक्षी दलों द्वारा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उन्हें बचना होगा। सुजानपुर के जंदड़ू बूथ पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, मंडल सुजानपुर अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री पवन शर्मा, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, ग्राम केंद्र अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया और साथ ही CAA जागरूकता के ऊपर बने पत्रक लोगों में वितरित किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधन के दौरान कहा कि ये बिल लोगों को नागरिकता देने के लिए बना है, न कि नागरिकता छीनने के लिए बना है। हमारे हिंदू समुदाय के लोग जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर भारत देश में आकर रह रहे हैं, ये बिल उन्हें नागरिकता देने के लिए बना है। इस बिल से भारत देश में रह रहे किसी भी नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। धूमल ने आह्वान किया कि विपक्षी दलों द्वारा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उन्हें बचना होगा, और साथ ही लोगों से ये भी कहा कि CAA पर अपनों को भी जागरूक करें और जो लोग गुमराह हुए हैं उन्हें भी जागरूक करना अपना फर्ज समझें।